वेट लॉस अगर करना चाहते हो, वजन कम करना चाहते हो, तो पूरी दुनिया में इससे कमाल की जानकारी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आज की वीडियो में एक इंटरव्यू दिखाऊंगा प्रेरणा जी, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेरणा जी का 27 किलो वजन कम हो गया। प्रेरणा जी बताती हैं कि मैंने बचपन से कभी भी वेस्टर्न कपड़े नहीं डाले थे, मेरा सपना था कि मैं भी वेस्टर्न कपड़े डालूं। वो कहती हैं, मैंने कॉलेज में भी जब जाती थी तब भी वेस्टर्न कपड़े नहीं डाले, लेकिन आज 27 किलो वजन कम होने के बाद वो हर तरीके से कपड़े डालती हैं, बहुत खुश हैं। उनके हस्बैंड उनकी बहुत तारीफ करते हैं जो उन्होंने अचीवमेंट दिखाई। पहले वो एक आंटी जी की तरह लगने लगी थी, आज वो एक लड़की की तरह लगने लगी हैं। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं, लोग कहते हैं कि सर हम एक मदर हैं, और लोग कहते हैं सर हम एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, अगर आपके तरीके से हम अपना वजन घटाएंगे कहीं कमज़ोरी तो नहीं आ जाएगी, हमारे बेबी को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो प्रेरणा जी एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है उन सब महिलाओं के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर होने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी 32 बार को किया, प्रेगनेंसी के दौरान किया, और उनका बेबी बहुत ही हेल्दी बेबी हुआ, और आज भी उनका बच्चा जो है वो मदर फीड पे है। मदर फीड पे होने के बावजूद भी उस बच्चे के अंदर कोई भी कमजोरी के लक्षण नहीं है, माँ भी स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है, वो सुपर एक्टिव है और 27 किलो वजन कम हुआ है। प्रेरणा जी की कुछ बातें कमाल की हैं, पूरी वीडियो को आप सुनना, आपको पता चलेगा क्या है। लेकिन प्रेरणा जी की बातें बताने से पहले मैं आपको कुछ चार प्रिंसिपल बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, लेकिन आज थोड़ा जोर देके बताऊंगा। ये चार प्रिंसिपल अगर कोई फॉलो कर ले, ये चार गोल्डन रूल अगर कोई फॉलो कर ले, तो दुनिया में मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में जी रहे हैं, मजा आ जाएगा जीवन जीने का। मैंने एक किताब पढ़ी थी, किताब का नाम है आई कैन मेक यू थिन, और उस किताब के जो लेखक है पॉल मकेना। किताब के अंदर ये चार गोल्डन रूल थे, मैंने इन चार गोल्डन रूल्स को इतनी बार पढ़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये चार गोल्डन रूल अगर कोई भी इंसान समझ ले तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये गोल्डन रूल्स बताने से पहले, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि प्रेरणा जी और उनके जैसे लाखों लोगों ने 32 बार से अपना वजन कम किया। हर कोई इंसान वजन कम करके आज खुश हो रहा है और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है। प्रेरणा जी ने भी 32 बार वाली ग्रीन टी को एक बहुत बड़ा श्रेय दिया। 32 बार के फॉर्मूला में चौथा स्टेप है कि खाना खाने के एक घंटे बाद एक कप ग्रीन टी पी लो। वैसे तो कोई भी ग्रीन टी पी सकते हो, लेकिन वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है 32 बार वाली ग्रीन टी। ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब जगह। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा। हमारा एप्पल साइडर विनेगर, ग्रीन टी, चिया सीड्स, ये सब कुछ आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ से होने वाले प्रॉफिट से बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ किसी से इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये तो है ग्रीन टी की बात, और अब बात करते हैं हमारे चार गोल्डन रूल्स क्या हैं। सबसे पहला गोल्डन रूल क्या है कि ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। अब इस सेंटेंस को आप में से बहुत से लोग समझ गए, कुछ लोगों को समझना बाकी है कि ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ओनली, यानी कि खाना तभी खाएं जब आपको भूख लगी हो। बहुत से लोगों ने अपना समय बना रखा है कि सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे या सुबह 9 बजे नाश्ता करेंगे, तब हम ऑफिस जाने से पहले या इतने बजे हम नाश्ता करते ही करते हैं, कुछ भी हो जाए, भूख लगी हो या ना लगी हो ये बात तो कभी सोची ही नहीं जिंदगी में। अगर आपको जीवन में अपना वजन कम करना है, स्वास्थ्य अच्छा करना है, बीमारियों को दूर करना है, खाना तभी खाएं जब भूख लगी हो, अन्यथा ना खाएं। पहला गोल्डन रूल। दूसरा गोल्डन रूल क्या है कि आप वो खाएं जो आपको पसंद हो। ईट ओनली व्हाट यू लाइक, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। क्या कहा मैंने? ईट ओनली व्हाट यू लाइक, नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड। केवल वही खाएं जो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, ना कि वो जो आपको लगता है कि आपको खाना चाहिए। इस बात का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, YouTube पे वीडियो देख रहे हैं दुनिया जहान की, डाइटिंग की वीडियो देख रहे हैं कि चलो आज तो हम आवाकाडो खाएंगे, आज हम ये ओट्स खाएंगे, आज हम फला खाएंगे, डाइटिंग वाली चीजें, सो कॉल्ड जो डाइट होती है ना उसको खाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन ये जो गोल्डन रूल नंबर दो मैंने बताया ना, कोई भी इंसान, मैं गारंटी लेता हूं कि आप, प्रेरणा जी ने भी यही सब बातें बताई जो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने ये गोल्डन रूल इसीलिए बताया क्योंकि प्रेरणा जी को सुन के मुझे ये गोल्डन रूल वापस से याद आ गए। ईट व्हाट यू लाइक, जो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्दी हो, कोशिश करना हेल्दी हो। जो आपको अच्छा लगता है, आपको सपोज करो रोटी सब्जी अच्छी लगती है तो रोटी सब्जी खाओ, ये मत सोचो कि गेहूं खाने से मैं तो मोटी हो जाऊंगी या मोटा हो जाऊंगा, खाओ, आपको अच्छा लगना चाहिए। उसको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है तो पनीर की सब्जी खाओ, जो आपको अच्छा लगता है वो खाएं, ना कि वो जो आपको लगता है कि आपको खाना चाहिए। अब तीसरी बात क्या है कि एंजॉय ईच माउथफुल थॉरोली, एंजॉय ईच माउथफुल थॉरोली। माउथफुल मतलब जो भी निवाला मुंह में डालेंगे उसको एंजॉय करो बिल्कुल मजे लेके। बैठ जाओ एक जगह और शांति से, टीवी बंद हो, सब कुछ बंद हो, पूरी दुनिया को भुला दो। हम लोग खाना खाने के लिए ही तो जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि अच्छा खाना शांति से मिल जाए। लोगों के पास शांति समाप्त हो गई, अच्छे से अच्छा खाना तो है, उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपके मुंह में जब एक निवाला गया ना, जो मैं 32 बार में बताता हूँ, उसको एंजॉय करना, आंखें बंद करके डूब जाओ उसके अंदर। खाना इतना टेस्टी हो सकता है आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सिंपल सी रोटी आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि 5 स्टार का खाना भी भूल जाओगे। छोटे टुकड़े जो मैं बताता हूँ ना, हर बार एक रोटी के इतना छोटा टुकड़ा लेना कि अंगूठे के नाखून के बराबर। तीसरा गोल्डन रूल क्या है, जो भी टुकड़ा मुंह में जाए उसको एंजॉय थॉरोली, उसको मजे लो, मुंह में आपके स्लाइवा मिक्स हो जाए, जब पानी बन जाए फिर अंदर जाने दो। और चौथा गोल्डन रूल जो है वो कहता है कि स्टॉप व्हेन यू आर फुल, जब पेट भर जाए तब रुक जाओ। लोगों की समस्या क्या है, वो कहते हैं कि हमारी प्लेट में ना अन्न का अपमान नहीं करते हम, हमारी प्लेट में जो बच जो खाना है, पेट भले ही भर गया हो उसके बाद भी वो खाते रहते हैं। लेकिन ये जो गोल्डन रूल कहता है ना कि अपने पेट को डस्टबिन मत समझो, खाना बच गया तो चिड़िया को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, लेकिन नहीं, पेट में मत डालना। स्टॉप व्हेन यू थिंक यू आर फुल, जब आपको लगे कि मेरा पेट भर गया है उस वक्त रुकना आवश्यक है। ये 4 गोल्डन रूल, और जो मैं 32 बार का तरीका बताता हूँ ना कि जो कुछ भी खाओ निवाले का साइज अंगूठे के नाखून के बराबर, और हर टुकड़े को जब मुंह में डालना तो इतना ज़्यादा चबाना कि वो पानी बन जाए, उसके बाद अंदर लेके जाओ। और खाना खाने में लंबा समय लो, कम से कम आधा घंटा तो बैठो ही बैठो, लोग 5-10 मिनट में खाना खा लेते हैं, लंबा समय लो। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पियो, हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। अगर ये 5 बातें और ये जो 4 गोल्डन रूल मैंने आपको बताए, इस वीडियो को 100 बार चला के देख लेना, आप अगर 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट ना आने लगे ना, तो आप मेरे वीडियो पे आके नीचे कमेंट जरूर करना। कमेंट तो वैसे भी कर दो, अभी कर दो, आपको ये बातें कैसी लगती हैं और ये वीडियो अच्छी लगे कि नहीं लगे, जो पसंद आए, अच्छा हो, हेल्दी हो, मन लगा के एंजॉय करके खाओ। प्रेरणा जी ने भी ऐसा ही किया, कोई डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा खाना खा ही नहीं सकोगे, मैं गारंटी लेता हूं आपको ही कि ज्यादा खाना नहीं खा सकते। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो आज तो ये 4 गोल्डन रूल और 32 बार का फॉर्मूला, अभी सुनते हैं प्रेरणा जी को। प्रेरणा जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, प्रेरणा बात कर रही हूँ। प्रेरणा जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, प्रेरणा जी आपकी तस्वीरें देख के पता चल रहा है कि आप कितनी खुश हैं, ये आप ही हैं हाँ सर, ये मैं ही हूँ। और सर ये भी आप ही हैं जी। ये मैं हूँ, ये अभी 3-4 दिन पहले की नवरात्रा की फोटो है, ये नवरात्र के एंड में मैंने ली। देखो मैडम, ये बिल्कुल एक लड़कियों वाला फेस आ गया आपका ना, पहले एक आंटी से लड़कियों वाला आ आंटी गया। जैसा, मैच्योर जैसा फेस था लड़की वाला, ये सही कह रहे हैं सर। देखिए, तो बहुत ही बढ़िया जी, मतलब आपका रिजल्ट देखे, ये पहले की तस्वीर है आपकी। हाँ सर, कितना वजन कम सर हुआ मैडम आपका? का मेरा टोटल 27 kgs कम हुआ है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, 27 किलो। आप कॉम्प्लीमेंट्स की झड़ी लग गई होगी। सर कॉम्प्लीमेंट्स की झड़ी नेटवर्क लग गई है, जैसे सबसे बड़े तो मेरे हस्बैंड ही मुझे कॉम्प्लीमेंट सुबह शाम ही वही बोलते रहते हैं कि
बहुत चेंज हो गए हो, लगती नहीं हो कि तुम ही हो। और फिर सर उसके अलावा जैसे कपड़ों में चेंज आया, जैसे मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती थी सर, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में कभी जीन्स या वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था सर। सर अब मैं सब कुछ पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो बहुत अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत देते सर। मेरा बहुत सर 80 पर वेट, हाँ सर मेरा वेट 80 पर अटक गया था सर, कम हम्म, नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कोई डाइट में चेंजेस नहीं किए। बच्चे के साथ मेरे यहाँ जो बनता है मैं वो खाती हूँ, चाय भी पीती हूँ, दूध की भी मुझे रात में रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं लेती हूँ सर, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मैं 100 किलो से अगर 80 पे आई हूँ तो और हो जाएगा सर, 10-12 केजी की बात है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैंने उस तरीके से सोचा, 3-4 महीने में 80 केजी पे रही, बट मैं बहुत कंफर्टेबल रही उसमें भी, और सर कम हो गया धीरे से, वेरी नाइस, मतलब लोड नहीं लेना है सर यहाँ पे ऐसा। बहुत ही बढ़िया मैडम। आपकी बातें इतनी सरलता से आप बता रहे हो ना, और इन्हीं बातों की जरूरत है महिलाओं को खासकर। महिलाएं जब देखती होंगी, बहुत सारे डाउट होते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारे साथ होगा या नहीं होगा। और बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं सर ग्रुप में जो 2-3 दिन 8 दिन करके छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि मैं 8 दिन से ज्यादा कर ही नहीं पाई। तो सर जब आप अपनी इच्छाओं पे अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर तो सर कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाएगा किसी की भी फोटो, या आप सर खुद भी नहीं कर पाएंगे। इच्छा बिल्कुल शक्ति खुद जगानी है, इतना इजी चीज मिला है, पैसा भी नहीं लगना है इसमें किसी चीज का, कहीं ढिंढोरा भी नहीं पीटना है, कोई बहुत ज्यादा दौड़ने भागना मेहनत नहीं करना है सर, खाना ही तो खाना है उसको बस चबाना है, और सर पानी को सिप सिप करके पीना है, दो चीजें मैंने नहीं छोड़ी सर। और पहले तो मैं रोटी के बाइट्स तोड़ तोड़ के रखती थी फिर मैं खाती थी सर, अब तो मैं बाइट तोड़ती हूँ वो ऑलरेडी उतना छोटा ही टुकड़ा मेरे हाथ से टूटेगा और बस मैं वो खाती हूँ। कितने भी लोग हैं मेरे साथ में मैं सब खा रही हूँ, जो सब खा रहे वही खा रही हूँ, लेकिन सर वेट नहीं बढ़ रहा है मेरा भी प्रेरणा जी, एकदम। आपने क्या नोटिस किया कि आपकी डाइट जो है पहले के मुकाबले परसेंटेज में कितनी परसेंट कम हुई है? सर 80% कम हुई है सर। 80%। अरे वाह, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि वो जो स्टाइल ऑफ ईटिंग है, ज्यादातर पॉपुलेशन को उसी स्टाइल से खाती है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली कि वो ठीक नहीं है। सर मैं 5 या 6 रोटी खाती थी सर, आम बात है सर 5 से 6 रोटी खाना घरों में, आप जानते होंगे नॉर्मल साइज की चपाती होती है, 5 से 6 रोटी खाती थी। अब सर 1 रोटी खाती हूँ, उसमें से भी एक आध बाइट एंड में ऐसा बचता है कि वो मुझे जबरदस्ती खाना है कि चलो एक बाइट है इसको फेंकना क्या है, चावल रहता है तो आधी रोटी में पेट भर जाता है। और ये मैं पतले होने के लिए नहीं कर रही हूँ सर, मैं सबसे यही कहूंगी, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जाते ही नहीं अंदर, 32 बार आप चबा रहे हो, 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है ये खाने में, और जैसे आप हमें बताते हैं कि माइंडफुल ईटिंग करनी है, तो बस वो कॉन्सेप्ट को मैंने आपका दिमाग में बैठा लिया था कि मैं माइंडफुल ईटिंग करती थी। कुछ अनहेल्दी आइटम भी है अगर आया है खाने की प्लेट में तो उसको भी चबा के खा लिया तो वो कम में ही आपको सेटिस्फाई कर देता है, बहुत ज्यादा खाने से बच जाते हो। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी दर्शक इन बातों को समझ पा रहे हैं ना, इसको जीवन में आजमाना। हम कोई आपको क्रैश डाइट नहीं बोलते कि आप एक हफ्ते में पतले हो जाओगे, वो तो भगवान की कृपा, आपके कर्म है कि आप कितना उसको ढंग से कर रहे हो, रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। आप रिजल्ट के ऊपर ध्यान ना दें, आप सिर्फ ये फोकस करो कि मैं धीरे खा रहा हूं या खा रही हूं, अपने आप ही जितना वजन कम होना होगा वहां पे आके आप पहुंच जाओगे। अच्छा, आपको कभी मैडम कोई वीकनेस, कमजोरी वगैरह कुछ ऐसा भी महसूस हुआ? कभी नहीं, ना मुझे पहले हुआ, ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ, ना आफ्टर प्रेगनेंसी हुआ, बच्चे के साथ दिन भर खेलती हूँ सर, 1.5 साल का बच्चा आप जानते हैं कितना भाग दौड़ करता है, मुझे जी, कभी कोई वीकनेस नहीं सर, मैं भगवान की कृपा से एकदम फिट हूँ और वाह, 32 बार से और एनर्जेटिक फील करती हूँ इनफैक्ट जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और सर। मैं एक, यही कहूंगी कि टारगेट बना के ना करें, सिर्फ हाँ खाते जाए, चबा के 32 बार पानी को सिप सिप करें, अगर आपसे हो रहा है तो वर्कआउट कर पाए करेंगे तो बहुत अच्छा ही है, नहीं भी कर पाए तो 32 बार करते जाएं, अगर आपको लाइफ टाइम वेट मेंटेन करना है तो फिर फूड मिल जाए। एक साइंटिफिक एविडेंस है हमारे पास कि हमारे शरीर को इतने भोजन की आवश्यकता है ही नहीं, इतना आप दे रहे हैं उसे, इतना भोजन तो चाहिए नहीं, उसको चाहिए थोड़ा सा। और अगर आप उसको जबरदस्ती कम करोगे तो होगा नहीं। 32 बार क्या है, प्यार से पुचकार के आपके शरीर को अपने आप वहां पर ले आके बिल्कुल उसकी ट्यूनिंग हो जाती है कि एक परफेक्ट जगह पे पहुंच जाओगे, न ज्यादा खाना पड़ेगा ना एनर्जी की कमी रहेगी, और आपने बताया आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल
जब वेट आपका 102 kgs था, तो क्या कभी आपको लेजीनेस की समस्या रही है उस समय, कि दोपहर को काम करने का मन ना करना या ऐसा कुछ होता हाँ सर बिल्कुल, वो तो रहता था, आलस रहता था सर था? मोस्टली, जैसे कि लेटे ही रहेंगे, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आना दोपहर में, ये होता था कि खाया फिर तो हिम्मत नहीं है हिलने की भी, बस सो रहे हैं, इस तरीके का रहता था, जो कि अब नहीं रहता सर, अब नहीं होता। ये डिफरेंस है, वाह वाह अब नहीं आता वाह, सर। बहुत बढ़िया। एक आइडिया के तौर पे आप ये बता दीजिए कि ब्रेकफास्ट में यूजुअली आप क्या चीजें खाते थे, लंच में क्या कुछ खाते थे, और डिनर में क्या खाते थे, और टाइमिंग्स क्या रहते थे भाई? हाँ जी जी सर, मॉर्निंग में गर्म पानी जो है वो तो मैं, जब हेल्थ ज़्यादा थी तब से ही आदत है, तो सुबह गर्म पानी, उसके साथ कुछ भी शहद वहद कुछ भी नहीं सर, नॉर्मल गर्म पानी सुबह। उसके बाद जैसे सुबह हम लोग 7:30-8 पर उठते हैं सर, बहुत जल्दी हमारा उठना नहीं होता क्योंकि लेट ही हम लोग सोते हैं, 8 बजे करीब हम लोग उठकर सर गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर फिर चाय, चाय के साथ में उपमा, पोहा, इडली, उत्तपम, ऐसी चीजें ब्रेकफास्ट में खाते हैं, कभी कभी वर्मिसेली, ओट्स, यही नॉर्मल जो सब घरों में बनता है वो। सुबह सर फिर जब डिनर का टाइम होता है वो 11:30 से 12 बजे होता है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद दाल, कोई भी लंच एक सीजनल सब्जी, लंच सॉरी सर लंच, कोई भी जी एक सीजनल वेज, दाल और रोटी, बस यही हमारा लंच होता है सर। जी फिर दिन भर में बच्चे के साथ बिजी रहती हूँ, उसके बाद इवनिंग में चाय के साथ स्नैक में मखाना रोस्टेड या पीनट रोस्टेड, बिस्किट और चाय, बस यही रहता है सर। और फिर नाइट में वही हम लोग सर, नाइट में वीक में 3 दिन खिचड़ी खाते हैं, मिक्स वेजिटेबल दाल चावल की, और बाकी 3 दिन रोटी खाते हैं। और सर उसके अलावा डिनर में हफ्ते में 1 से 2 बार मेरा बाहर भी जाना होता है, वो होता ही है सर। जी। कभी ऐसा महसूस हुआ आपको इस दौरान के मैं 32 बार की वजह से भूखी रह गई, कभी ऐसा भी हो सकता? नहीं सर, नहीं 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 सर बिल्कुल भी नहीं है सर, कभी नहीं हो ऐसा भी सर, कभी पार्टीज भी होती हैं, ऐसा कभी पार्टीज भी लगा होती हैं कि सर, सर डाइटिंग कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कभी लगा? कभी नहीं, आज तक नहीं लगा सर, इसीलिए तो मैं इतनी खुशी खुशी सब बता पा रही हूँ सर। और कब आपका टाइम कितना लगता है एक बार जब आप खाना खाने बैठते हैं? सर, आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा। मिनिमम आधा घंटा, और पहले बच्चा कितना परेशान बहुत कर रहा है लगाता तो 5 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ सर, पहले तो मैं 2 मिनट में भी खा लेती थी, 3 मिनट में भी और 5 मिनट में भी। था? अच्छा। और एक मैं ना लोगों के लिए, बहुत से लोग जो 32 बार में आते हैं ना, जब वो वीडियो देखते हैं ना, तो हर कोई कोशिश करता है ट्राई करने की। पहले 2 दिन सबको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है ना वो आगे छोड़ देते हैं। उसके लिए मैं उनको ना एक कान खजूरे की कहानी सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो उसमें क्या था, एक बार एक सेंटीपिड कान खजूरा जो है वो जा रहा था, उसके कहते हैं, कोई कहता है 1,000 पैर होते हैं, कोई बोलता है 100 पैर होते हैं। अब ये तो गिनती को मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि उसके 1,000 पैर होते हैं। वो चलता है कान खजूरा इस तरीके से, तो हर रोज ना एक मेंढक जो है वो उस कान खजूरे को देखता था, और वो बड़ा हैरान होता था। वो कहता था, ये तो कमाल ही कर रहा है, इतने सारे पैरों को कैसे मैनेज कर लेता है, ये कौन सा पैर कब रखना है, कौन सा कब उठाना है, कब रखना है, ये कैसे कर रहा है, ये तो कमाल है, तो सातवा अजूबा है। कान खजूरा तो बस कर ही रहा था। तो एक दिन उसने कान खजूरा को रोका और उसने कहा, यार मैं बड़ा हैरान हूँ। उसने कहा, बताओ क्या क्या हैरानी है? तो उसने कहा, यार मेरे को ना इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मेरे तो ना 2 पैर जमीन पे, 2 हाथ हैं, बस ये 4 चीजें हैं, इनको मैनेज करना होता है। लेकिन तुम कैसे करते हो, कौन सा पैर पहले और कौन सा पैर बाद में रखते हो? क्या कान खजूरे ने कभी इससे पहले इस बात को नोटिस नहीं किया था, लेकिन कहते हैं उस दिन के बाद से आज तक वो कान खजूरा चल ही नहीं पाया बेचारा। वो यही बात को चेक कर रहा है, मेरा पहला पैर कौन सा और बाद में कौन सा। तो मुझे आपकी बिल्कुल बातों से ना, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 32 बार को जब एक बार समझ आते हैं, लोग फिर इसमें ज्यादा इधर उधर घुसने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही सरल फॉर्मूला है, इसमें अगर ज्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश करोगे ना शुरू शुरू में, सब कुछ आपको अपने आप समय के हिसाब से पता चलता जाएगा। अभी मूल उद्देश्य होना चाहिए, बस छोटे टुकड़े लो और उसको चबाओ। कान खजूरे को भी चाहिए कि बस वो चलता रहे, इन फालतू की बातों पे ध्यान ना रहे कि मेरा ये प्रकृति ने करना है कि वजन कितना कम होगा, कब कम होगा, ये सब काम बिल्कुल प्रकृति के हैं। आपका काम इतना है कि संयमित तौर पे संतुलित तरीके से भोजन को ग्रहण करें, ये आपका होना चाहिए। बाकी मुझे मैडम आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है।
आपने इतनी आसानी से सारी बातों को बताया तो ये बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि हजारों लाखों लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो भविष्य थैंक में यू सर। फिर किसी दिन आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए मैडम। तो सुना आपने, आया मजा प्रेरणा जी को सुन के। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जब अच्छी लगी है तो इसको लाइक करने में क्या बुराई है, और नीचे कमेंट करने में क्या बुराई है, दुनिया भर में इसे शेयर करने में क्या बुराई है, अपने फैमिली ग्रुप में तो कम से कम इसे शेयर कर ही दो। और वजन घटाने के लिए ये दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी, 32 बार वाली ग्रीन टी, आपको मजा आ जाएगा पी के। मजा मतलब टेस्ट में मजा नहीं, जो रिजल्ट आएंगे बॉडी में उसको देख के आपको मजा आ जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड सलाह चाहिए तो निशुल्क सलाह के लिए ये स्क्रीन पे 2 नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे कभी भी सुबह 9:30 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो, आपकी मदद की जाएगी सोमवार से शनिवार के बीच में। आपने ये वीडियो देखी, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।